छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 96 घंटों तक चले ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ ने 15 से 20 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ जबकि 2 घायल हुए हैं। सीआरपीएफ ने ऑपरेशन बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर चलाया। इसमें कोबरा बटालियन के करीब 350 जवान शामिल हुए। इस अभियान के दौरान पहली बार वायुसेना ने सीआरपीएफ जवानों के लिए खाने पीने और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई की। करीब 15 से 20 माओवादियों का मारा गया, लेकिन साथ में एक ऑपरेशन और चल रहा है कन इलाके में गोपनीय जो है, और हमें पूरा भरोसा है कि वहां भी हमें सफलता मिलेगी। हरियाणा के रेवाड़ी में छेड़खानी के विरोध में तकरीबन 80 स्कूली लड़कियां भूख हड़ताल पर बैठी हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का 8वां दिन है। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली गोडड़ा ठप्पा डहीना गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रास्ता खेत से होकर गुजरता है, बीच में मन चले छेड़छाड़ करते हैं। इनकी मांग है कि गांव में जो स्कूल है उसे 10वीं से बढ़ाकर 12वीं तक कर दिया जाए। हमारा प्लस टू तक स्कूल नहीं बन जाता, हम ऐसे नहीं लेंगे। समाज के असामाजिकता तो थे, वो हमें परेशान करते थे, इसलिए हमारी ये मांग थी कि हमें अपना स्कूल अपग्रेड चाहिए। हमारे सामने हमारे आगे बहुत सी छेड़खानी हो चुकी है, जो हम घर वालों से बताते हैं, घर वाले कहते हैं स्कूल छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर 3 तलाक पर सुनवाई होगी। कल हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 3 तलाक की तुलना भगवान राम से कर दी। सिब्बल ने कहा कि जैसे मेरी आस्था राम में है और मेरा ये मानना है कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, उसी तरह से 3 तलाक की प्रथा 1400 सालों से चली आ रही है और ये आस्था से जुड़ा मामला है। जो प्रथा इतने सालों से चली आ रही है वो गैर इस्लामिक कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से राजनीतिक बयानबाजी न करने की ताकीद भी की। बेनामी संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली एनसीआर में इनकम टैक्स विभाग ने लालू, उनके बेटे बेटी और लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापे से नाराज लालू ने कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिना ठोस वजह के ऐसी कार्रवाई नहीं होती। एक मीडिया कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर और दफ्तरों में छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई और मुंबई के 16 ठिकानों पर सीबीआई ने कार्रवाई की। आरोपों के मुताबिक कार्ति ने आईएनएस मीडिया से रिश्वत लेकर टैक्स के एक मामले की छानबीन को प्रभावित किया। सोमवार को इस मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम, उनकी 2 कंपनियों आईएनएक्स मीडिया और वित्त मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि सरकार सीबीआई के जरिए उनके बेटे को निशाना बना रही है और इसका मकसद उनकी आवाज को चुप कराना है। सैयद नरूर रहमान बरकती को कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम पद से हटाया जा सकता है। आरोप है कि बरकती जबरन इमाम पद पर बैठे हुए हैं। कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रमुख शहजादा अनवर अली ने कहा कि देश विरोधी टिप्पणी को देखते हुए बोर्ड ने उन्हें शाही इमाम के पद से हटाने का फैसला किया। आज दोपहर तक मौलाना बरकती को हटाए जाने पर फैसला लिया जा सकता है। सबसे पहले जी न्यूज ने बैन के बावजूद बरकती के लाल बत्ती के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था। इससे पहले मौलाना बरकती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर और दाढ़ी के बाल मुंडवाने वाले पर 25 लाख के इनाम का फतवा भी जारी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आज सरकार की योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेर की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। याचिका में सरकार को सरकारी योजनाओं के आधार नंबर को जरूरी करने से रोकने की मांग की गई है। आज पश्चिम बंगाल में 7 म्युनिसिपैलिटी में हुए चुनाव के नतीजे आएंगे। 14 मई को हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आज जिन सीटों के नतीजे आएंगे उनमें से 4 दार्जिलिंग में हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अब नकद में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन और टैक्स चोरी करना सुरक्षित नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि नोट बैन के बाद 91 लाख नए लोग टैक्स के दायरे में आए हैं। काले धन पर लगाम लगाने के एक और कदम के तहत सरकार ने ऑपरेशन क्लीन मनी नाम का पोर्टल शुरू किया है। काले धन और टैक्स चोरी के मामलों की पूरी रिपोर्ट को इस वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। आरएसएस जुलाई में अपनी सालाना समीक्षा बैठक जम्मू में करेगा। ये पहला मौका होगा जब आरएसएस की बैठक जम्मू कश्मीर में होगी। कश्मीर में चल रही अशांति के बीच आरएसएस की इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे।